नमस्कार दोस्तों, कर्ज वापस करने के लिए कर्ज लेने वाले मुल्क पाकिस्तान को अब अपने डिफॉल्ट होने का डर सता रहा है। अपनी इकोनॉमी को कर्ज लेकर चला रहे पाकिस्तान को अब अपनी इकोनॉमी की कंडीशन को बेहतर करने से ज्यादा फिक्र इस बात की है कि आगे कोई भी कंट्री अब उन्हें पैसे नहीं देने वाली है, जिसे सोच के अब लोन लेकर मुल्क चला रहे पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं और अपने आने वाले दिन और मुश्किल होने का डर सता रहा है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट लिटरली। जो पेमेंट्स इनको करनी है तकरीबन साल में, क्योंकि 100 बिलियन डॉलर का कर्जा है ये, तो IMF के पैसे भी वापस हम नहीं कर सकेंगे जो पहले वाले IMF के हैं। तो और प्लस दूसरे पैसे नहीं मिलेंगे, वर्ल्ड बैंक से नहीं मिलेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त सबको पता है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इसलिए गिरा हुआ है कि हमारे पास रिजर्व नहीं है। मतलब चंद हफ्तों के 7 बिलियन डॉलर जो है वो तो बहुत ही कम है ना, एक महीने के भी इम्पोर्ट्स नहीं है हमारे पास। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें तो 1.5-2 साल पहले IMF प्रोग्राम में चला जाना चाहिए था। इट्स अनफॉर्चुनेट कि पिछले एक साल में और ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, डिले हुआ है। तो इसमें तो कोई चॉइस नहीं है।